प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब भी जारी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो 2 भेड़िये अब भी कैद से बाहर हैं। करीब 50 गांव खौफ में हैं। कहीं भेड़िया हमला ना कर दे, इस डर से गांव वालों की जिंदगी थम गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मजदूर काम पर नहीं जा रहे और किसान खेती नहीं कर पा रहे। भेड़िये के हमले में 10 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए। पर सवाल है, भेड़िये आदमखोर कैसे बने? आदमखोर यानी आदमी को खाने वाला, ये शब्द किस जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आज हम इस पूरे गणित को समझेंगे सीधा एक्सपर्ट से। इसके लिए लोकल 18 ने पीलीभीत के एक्सपर्ट केशव अग्रवाल से बात की। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नॉर्मली ये तो बड़ी एक पिक्यूलियर सी इंसिडेंट है वहाँ बहराइच में। नॉर्मली टाइगर्स का या लेपर्ड्स के अटैक्स होते हैं आदमियों के ऊपर, और उसमें आदमखोर, आप सही कह रहे हैं कि आदमखोर एक बड़ा कॉमन सा वर्ड हो गया है, लेकिन आदमखोर डिक्लेयर करने की कई कंडीशंस है। आदमखोर नॉर्मली वो टाइगर या लेपर्ड होता है जिसको कोई फिजिकल इंजरी होती है, और फिजिकल इंजरी की वजह से जो उसका वाइल्ड प्रे है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत होती है, तो वो उसको नॉर्मल वे में उसको चेस करके हंट नहीं कर पाता है, और ऐसी कंडीशंस में वो इजी प्रे की तलाश में रहता है। तो इजी प्रे की तलाश में जंगल में जब वो रहता है तो उसके जितने भी बाकी टाइगर्स जो है, हेल्दी टाइगर्स या लेपर्ड्स, वो उसको सर्वाइव करने नहीं देते, तो ऐसे में उसको स्टे करना पड़ता है। वो उसकी ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है विलेज एरिया में, क्रॉप फील्ड्स में आके बैठता है। और जो इजी प्रे है, इजी प्रे में स्ट्रे कैटल भी हो सकता है, डोमेस्टिक कैटल जो होते हैं, और अगर आदमी उसने कहीं एक्सीडेंटली अगर मार दिया तो देन ही एग्जैक्टली उसको मालूम होता है कि आदमी इंसान जो है वो सबसे इजीएस्ट प्रे है, जो कि सबसे आसानी से मारा जा सकता है। हम तब भी उसको नहीं कह सकते कि वो मैन ईटर है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को मार देना एक अलग चीज है, आदमी की बॉडी कंज्यूम कर लेना दूसरी चीज है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आदमी की बॉडी भी कंज्यूम कर रहा है टाइगर या लेपर्ड, तब भी हम उसको मैनिटर नहीं कह सकते। मैनिटर आप उस कंडीशन में कह सकते हैं जब वो आदमी को चेस करना शुरू करे, उसको चेस कर रहा है, उसका वेट कर रहा है, और उसको आते ही वो अटैक कर रहा है, अटैक करने के साथ साथ उसको कंज्यूम कर ले रहा है। अगर ये रेप्लिकेशन उसका 2 या 3 बार है तब आप उसको मैरिटर कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहराइच में करीब 2 महीनों से आदमखोर भेड़ियों के हमले जारी हैं। अब गांव वालों ने भक्ति का सहारा लिया है। दरअसल गांव में सीताराम का जाप, हवन और पाठ पूजा किया जा रहा है ताकि भेड़ियों के हमलों पर लगाम लगे। लोकल 18 के लिए पीलीभीत से सुरजित अवस्थी की रिपोर्ट।